नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। इसे रसूख कहे अधिकारियों की सरपरस्ती, लेकिन कुछ तो जरूर है। तभी तो जिले से बाहर तबादला होने के बाद भी एक शिक्षक का वेतन लगातार भिंड जिले से ही निकल रहा है। दरअसल भिंड जिले के MLB स्कूल में पदस्थ शिक्षक अवनीश मधुरिया का तबादला जिले से बाहर 21 अक्टूबर 2022 को हो गया था और उनको रिलीफ भी कर दिया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी के चलते रसूखदार शिक्षक का वेतन लगातार भिंड से ही निकल रहा है और विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि भिंड जिले के शिक्षा विभाग में अवनीश भदौरिया का रसूख इस समय चर्चाओं में है। बबेड़ी संकुल पर प्रभारी प्राचार्य रहने के दौरान छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं और वहां सैकड़ों फर्जी बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृति में इन महोदय के पासवर्ड का उपयोग किया गया था, जिसकी जांच चल रही है। और अब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तबादला किए जाने के बाद तुरंत रिलीफ कर दिए जाने के बाद भी लगातार MLB स्कूल से वेतन निकाला जा रहा है। हालांकि इस मामले पर हमने वहां के प्राचार्य स्नेहलता भदौरिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा DO साहब के यहां से अवनीश भदौरिया की उपस्थिति आई तो वहीं ऑफिस में अटैच है, इसलिए हमने वेतन निकाला है। हमने उनसे कैमरे पर बोलने को कहा तो उक्त मामले में उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के चहेते और राजनीतिक वरद हस्त रखने वाले शिक्षक महोदय की मौज कब तक जारी रहती है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक शिक्षक का तबादला कर दिया जाता है और भिंड जिले से उसको रिलीव भी कर दिया जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उस शिक्षक का अब तक जिले से मोह भंग नहीं हो पा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि अधिकारियों की सरपरस्ती इतनी है कि उसका वेतन लगातार निकलता जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये वही शिक्षक है जो बबेड़ी संकुल पर तैनात रहा और इसके ऊपर छात्रवृत्ति घोटाले में गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस शिक्षक को कब तक पनाह मिलेगी। मनीष ऋषि भिंड।